ऋषिकेश की गलियों जाओ और डुबकी मार लो, घाटों पे पड़े ही मिलूंगी आपको। लगे कि पानी बहुत ठंडा है, फ्लो बहुत ज्यादा है। हाय गाइस, सो ये देखो क्या व्यू से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये रहा हमारा राम झूला, जो मैं आपको ना जूम करके दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दिया ना, जस्ट हमारा जो रूम है वो राम झूले के सामने ही है। और ये रूम है, इसका नाम कहीं होगा हो रहा है। हाँ, एकदम ऐसे बारिश तो आएगी, वो कुछ काले घने बादल और कितनी ग्रास। वैसे तो शाम के बज गए हैं 5, पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया है। बहुत तेज भूख भी लगी है। पहले कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा सा नहाते हैं एंड देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे। पूरा तो नहीं नहाने वाला है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, फ्लो बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत ही नहाएंगे। चले न्यांश भाई, तू सबने कपड़े चेंज कर लिए? न्यांश के कपड़े चेंज नहीं हुए, बस न्यांश के वहीं पे होंगे, मैंने रख लिया है कपड़े। तो ऋषिकेश की गलियों से ये मेरा व्लॉग हो रहा है शुरू। और मैंने ना पहना है नाइट सूट, क्योंकि मैं इसको पहन के ही नहाने वाली हूँ। बाकी आपको मैं पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ, एक बार पूरा मार्केट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रात के टाइम में। फिलहाल तो ना भूख लग रही, कुछ खाया नहीं है, बहुत थकान भी हो रही थी। पता है क्या हुआ, हमारा जो हरिद्वार से ऋषिकेश के आने वाला वो था ना रूट, वो थोड़ा अच्छा नहीं बैठा, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, जो हम आपको बाद में बताएंगे। बट यहाँ पर देख रहे हो हर जगह ऐसे घाट दिख रहे हैं, और ऐसा मन कर रहा है ना कि भाई जाओ और डुबकी मार लो। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि जन्नत मिलने वाली है। ऐसे घाट जो दिख रहे हैं ना, इन्हें देख के ही मुझे शांति मिल रही है। मतलब हर गली पे ऐसे घाट हैं, हर 4 कदम पे स्टेयर्स बनी हुई हैं नीचे घाट के लिए। तो हमारा ये ट्रिप 4 से 5 दिन का होने वाला है, तो मैं लिटरली ना ऐसे घाटों पे पड़ी मिलूंगी आपको, ऐसे छिपकली की तरह। वैसे रश बहुत है, लोगों का कहना है कि कम हो गया है, बट कम हो गया, मैं भी बहुत रश है। वाह, यहाँ से क्या नज़ारा आ रहा है यार। यार ओ मैन, भाई कितनी ठंडी है। पहले पता है हम लोगों ने वहाँ पे एक रूम देखा था, जो हम लोग आपको अभी रूम में बताया था ना लास्ट वाले ब्लॉग में, और यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड होने वाला है। तो मेहुल, क्या तुम मेरे संग स्ट्रीट फूड का चैलेंज करोगे? यस। तो हम यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड का डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, और मैं सबको हरा दूंगी। अभी तो यहाँ पे सिर्फ गंगा जी घाट ही घाट, पानी पानी, और पानी का फ्लो भी अच्छा है। ये देखिए फ्लो बहुत तेज है पानी का। हाँ, और हाँ हमें एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गई आपको, आज की शाम की कौन है आप दोनों? आज की शाम की मलेगाय देख तो लो, जरा धीरे चलो मौसी। ये देखो मम्मी को और प्लाजो, ओ माय गॉड, ये मौसी टी शर्ट प्लाजो। मैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हम तीनों का व्लॉग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो फिर लो बिल्कुल, तो फिर देरी के साथ लेकिन कमेंट्री आप ही करेंगे। तो खाने के लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं गुरुदेव रेस्टोरेंट। यहाँ पे सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बाहर रह गई हूँ। और ये देखिए मेरी पूरी टीम भागती दौड़ती हुई सीट लेती हुई, और रियांश भी तो मेरा, रियांश का ना मैं खाना बना के लाई हूँ, मैं आपको दिखाती। अच्छा, हम 3 ब्लैक हो गए ना। लंच में मैंने तो लिया था आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा मैंने और मेहुल ने, रियांश को मैंने सुला दिया है। मम्मी मौसी ने ली थी थाली, और एक थाली ली थी वरुण ने। अच्छा पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो ऋषिकेश का खाना है, मतलब टोटल खाना हर जगह का ऑल ओवर खाना, वो बहुत सस्ता है हरिद्वार के कंपैरेटिव। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आप लोगों ने भी क्या ये चीज़ नोटिस की है, चाहे यहाँ की लस्सी हो, चाहे यहाँ का पराठा हो, चाहे पूरी सब्जी हो। तो बहुत सारी जगह ऋषिकेश की हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी, जो मैं आगे व्लॉग्स में शेयर करूँगी, खाने से रिलेटेड हो या घूमने से रिलेटेड हो, बहुत सारी जगह हैं तो अभी शेयर करूँगी मैं। एंड यहाँ पे तो बहुत ही टेस्टी खाना, मतलब ये जो जगह थी ना मुझे बहुत बढ़िया लगी खाने के लिए, बहुत रीज़नेबल था, बहुत अच्छा भी था और टेस्टी था, यम था, एकदम मज़ेदार। खाना बिना खा के ना इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि बिल्कुल पता चल रहा है कि बिल्कुल बस की नहीं है नहाना। तो हम बस वहाँ जाके ऐसे थोड़ा सा बैठेंगे,
ठंडे ठंडे पैर डालेंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज हम कुछ कर पाएंगे। एज भी टाइम अभी 5:53 हो गया है, तो मतलब नहीं अभी नहाने का। रियांश तो सो ही गया था वहाँ पे, बस हम बेसिकली यहाँ ऐसे हाथ पैर डाल के ना थोड़ा सा बैठ के इंजॉय करेंगे। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ घाट पे नहा रहे हैं लोग थोड़े से। तो ये देखो, अरे देखो यहाँ पे ऋषिकेश में यही तो फोटो कराने का है शिव जी के साथ। शिव जी इधर आओ, यहाँ पे थोड़े से लोग हैं जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा। बेसिकली घाट के हर गली से सिद्धियाँ हैं यार। देखो वहाँ पे थोड़े से लोग हैं जो नहा रहे हैं, यहाँ पे वो दूर ये लोग नहा रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं आ रहा। पानी का फ्लो अच्छा खासा तेज़ है, बट हम एक बार हाथ पैर डाल के देखना चाहती हूँ। हाँ चलो भैया, हम तो थोड़ी देर जाके बैठते हैं गंगा जी में पैर डाल के और देखते हैं किस हद तक का ठंडा पानी है। बट पता है पानी साफ नहीं है, बहुत रेत है। ये देखो आप देख रहे हो किनारों पे कितना रेत आ गया है, ये देखो कितना रेत है, बहुत रेतीला पानी हो रहा है इसलिए किनारे पे एकदम रेत इकट्ठा हो गया। तो मैं देखती हूँ, हाँ ठंडा मैंने सिर्फ यहाँ रखा है। ओ शिट मैन, चिल्ड पानी है ये बिल्कुल। इस वाले घाट पे आ गए हम लोग, यहाँ पे तो काफी लोग फिर भी नहा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था, बहुत चिल्ड पानी है। तो हम लोग ना इसी वाले घाट पे आने वाले हैं। गाइस क्या कर रहे हो, व्लॉग तो आप एंजॉय कर रहे हो, एक बहुत बड़ी अपडेट मिस मत कर देना जिसको बताने के लिए मैं फटाफट कूद के यहाँ पे आई हूँ। और वो है अमेजोन पे आने वाली है बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्राइम डे सेल 23 और 24 जुलाई को, मतलब आने ही वाली है, कुछ टाइम रह गया है। तो जल्दी से इस वीडियो के बाद जाना, कार्ट में सामान ऐड कर लेना बहुत सारा, जो भी खरीदना हो, फैशन है, ब्यूटी है, ग्रॉसरी है, होम डेकोर है, पर्सनल ब्यूटी या कुछ भी है, या फिर लैपटॉप है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी जाना ऐड कर देना 23 और 24 जुलाई को प्राइम पे आने वाली है बहुत बड़ी वाली सेल। सो उसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपना एक अमेजोन का अच्छा सा हॉल। ये जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे हॉल का वो है ये बहुत ही प्यारा सिंपल सोवर क्लासी ग्रे, नॉट मतलब एग्जैक्ट वाला ग्रे बट हाँ थोड़ा ग्रे शेड में ये वाला सूट। एंड इसमें इस टाइप का ऐसे डॉट का वर्क टाइप हो रहा है, पैटर्न है, 3/4 इसकी स्लीव्स है। एंड या लुक एट द जो इसका कलर है एंड जो इसका प्रिंट है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड इस वाले हॉल में ना सब कुछ ट्राई ऑन हॉल होने वाला है, तो आपको ट्राई ऑन हॉल भी दिख रहा होगा कि पहनने के बाद कितना स्मार्ट लग रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा क्लास एलिगेंट पीस लग रहा है। कलर बहुत ही ऐसे बहुत ही हाँ सेटल कलर है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ आपको मिलने वाला है व्हाइट कलर का है पैंट, नॉट प्लाजो, पैंट मिलेगा आपको इस तरीके का व्हाइट कलर का। एंड इसमें होने वाली है पॉकेट्स, बिल्कुल सिंपल प्लेन पैंट है। एंड जो इसका दुपट्टा वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा, व्हाइट दुपट्टे पे ऐसे पूरा ग्रे डॉट्स वाला हो रहा है एंड नीचे कुछ इस तरीके से हो रहा है। दुपट्टा बहुत प्यारा जॉर्जेट का है, बहुत सॉफ्ट सिल्की शाइनी। एंड इस पे ना ऑल ओवर में इस टाइप का कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा है, फ्लावर्स का, स्काई ब्लू, रेडिश, पिंकिश, इस टाइप का बहुत ही सेटल कलर है ये भी। मतलब मैंने इसमें ना कुछ भी ब्राइट कलर्स पिकअप नहीं किए हॉल में, बहुत ही सेटल एंड सोवर कलर्स पिकअप किए। एंड इसकी जो नेक की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसका नेक का डिजाइन मिलेगा, बहुत ही प्यारा कलर है। मतलब पता है प्रॉपर ग्रीन नहीं है ये, कुछ टर्कुइश ग्रीन कह सकते हो, मतलब कुछ डिफरेंट ग्रीन है, एक्चुअल ग्रीन मुझे भी नहीं पता ये कौन सा है। एंड इसके साथ जो आपको प्लाजो कम पैंट मिलने वाला है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा ऐसा मल्टी कलर का है ऑल ओवर,
तो ये प्लाजो कम पैंट इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं है ये, तो दिस इज प्लाजो कम पैंट, तो एकदम पैंट भी नहीं प्लाजो भी नहीं। और इसके साथ भी बहुत ही प्यारा सा सोबर सा इसी शेड का दुपट्टा जाता है, एंड दुपट्टे पे इस तरीके का ना फुल ऑल ओवर में ऐसे बॉर्डर टाइप लग रहा है जो आपका प्लाजो का कपड़ा है। तो नेक्स्ट सूट मैं शेयर करने वाली हूँ, अगेन वेरी सोबर सूट, बहुत ही प्यारा सेटल सूट है। सो इन द शेड बेज, बेज कलर का है, एंड उस पर ना नेक पे आपको इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ऐसा वर्क मिलने वाला है, एंड बिल्कुल प्लेन सूट है, स्लीव्स पे आपको ये चीज मिलने वाली है, बाकी फुल प्लेन बेज सूट है, बहुत प्यारा है, सेटल्ड सूट है, कोई भी एज ग्रुप इजीली जाएगा। एंड इसके साथ जो आपको पैंट मिलने वाला है, एंड इसका कपड़ा फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसके साथ आपको पैंट मिलने वाला है, पीछे आपको इलास्टिक मिलेगी, आगे आपको बेल्ट पैटर्न में मिलेगा, एंड साइड में आपको इसमें पॉकेट मिलने वाली है, एंड ये प्लाजो है नॉट पैंट, एंड इसमें आपको नीचे इस तरीके का ऐसा बॉर्डर मिलने वाला है। दिस इज अमेजिंग, बिल्कुल प्लेन सूट सलवार है, इसके लिए आपको इसमें मिल रहा है बहुत ही ज्यादा प्यारा ऐसे प्रिंटेड दुपट्टा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सूट, किसका जो दुपट्टा है ना बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, मतलब ऐसे कुछ दुपट्टाज होते हैं ना जो बहुत चौड़े होते हैं, एंड इसका प्रिंट देख रहे हो कितना सोवर प्रिंट है, वार बहुत प्यारा प्रिंट है, बहुत प्यारा। सो आपको इस तरीके का ना ऐसे प्रिंटेड पूरा ही दुपट्टा मिलने वाला है जो इसके लुक को बहुत ही क्लासी बना रहा है, एंड ये ना हर एज ग्रुप के लिए बिल्कुल परफेक्ट सूट है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ दैट इज प्लेन सिंपल कुर्ती, मतलब सिंपल प्लेन कुर्ती है, कोई इसमें प्लाजो व्लाजो नहीं है, और वो भी बहुत सेटल कलर की है, ऐसे व्हाइट पे थोड़ा सा लाइटिश शेड की, ऐसे टर्क्विश ब्लू एंड येलो ऑरेंजिश टाइप के पैटर्न का हो रहा है, एंड इसमें थोड़ा सा ऐसे गोल्डन गोल्डन आपको ग्लिटरी दिख रहा होगा। सेटल्ड कुर्ती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लेन ऑल ओवर कुर्ती है इसी तरीके की। आगे इसमें आपको कुछ ऐसे मड़े हुए बटन्स टाइप दिख रहे हैं, बस ये है। सो यह बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, एंड या दैट्स इट फॉर माई हॉल वीडियो। इतना छोटा सा मेरा हॉल था जिसमें सारे सेटल्ड कलर के सोबर से स्मार्ट से पीस मैंने आपके साथ शेयर किया, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड इसी के साथ कुछ और भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, एंड सेल का फायदा उठाना बिल्कुल मत भूल जाना। और अभी 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 जाना नहीं है मेरे आगे वाले ब्लॉग को, तो एंजॉय कर लो मैंने क्या क्या मस्ती मचाई है हरिद्वार में। बहुत ठंडा पानी है, बहुत प्यारी प्यार कर दी जैसे नेक नेक प्यारी होगी, तो नीचे करो कैमरा ना 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 किधर है, चप 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 दादा किधर करो, मम्मी बता बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है सच्ची तुम्हारी कसम, चप 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 ऐसे करो, चप अच्छा पानी से करो फिर एक बार ऐसे कर देगा, देख दादा कैसे कर ले, देख दादा कैसे कर ले, अभी हो गया ना आ जाओ, देख ऐसे चप 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 चप
इधर नीचे करो कैमरा ऐसे घुमाओ गंगा जी में नुकसान लेते हैं चप 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 पैर पर रोनी रहा चप 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 हमारा जो हरिद्वार का व्लॉग था ना, मतलब जो ट्रेवल था, वो 5 दिन का ट्रिप था और वो 5 दिन इतने ज़्यादा अमेजिंग थे ना, वो इतनी मस्ती किया हम लोगों ने, द बेस्ट। मतलब रियांश ने सीरियसली इतना साथ दिया है ना घूमने में, उसने कहीं परेशान नहीं किया। आप देख रहे हो यहाँ भी वो इन्जॉय कर रहा है, और ये उसका फर्स्ट लाइक कह सकते हैं गंगा स्नान था, तो ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा, बट आगे आने वाले टाइम में ना आगे वो बहुत इन्जॉय करने वाला, आपको व्लॉग्स में दिखेगा। और मैं ट्राई कर रही हूँ रेगुलर व्लॉग्स का, बट यार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हो ही नहीं पा रहा है। ये देखो नानी, ब्लू कलर की नानी। अभी हम लोगों ने नहाया धोया, मम्मी ने फेस नहीं धोया ना, फेस नहीं धोया, मैंने नहीं धोया फेस भी, पर लेकिन बहुत ठंडा पानी था, बड़ा ही मजा आया। नहीं हम भी हो रहे हैं मम्मी, और शाम सामने चल रही है आरती, और जो व्यू है ना, जो मतलब इतने नज़ारे होते हैं ना वो आ रहे हैं, इतना अच्छा वेदर और इतने अच्छे नज़ारे। और हम लोगों ने चेंज करके ये पहन लिया है, जो हम दोनों बहुत ही क्यूटी क्यूटी लग रहे हैं। मम्मा भी तो, और यांश भी तो पानी में नहाई नहाई किया था। यांश आपने पानी में नहाई नहाई की थी, पानी में नहाई नहाई की थी, तंदे तंदे पानी में टप 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 टप। कैमरा पकड़ना आपको, कैमरा पकड़ना है कैमरा। अच्छा यांश की ये टी शर्ट ना हम लोगों ने वृंदावन से ली थी, बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर।